इस आठ कोनों वाली चरखी बनाने के लिए आपको आठ मुख्तलिफ रंगों के मुरब्बे दरकार होंगे। एक मुरब्बा नुमा कागज़ लें, सबसे पहले इसे दरमियान से तय करें, फिर ऊपर के दोनों तिकोन तय करें जिससे तिकोनी छत बन जाए, फिर इसे आधे में तय करें और नीचे के दाएं कोने को भी तय करें, फिर इसे खोलकर दरमियानी लकीर को उल्टा कर दें, एक पहाड़ की तरह बन जाएगा। अब ये आपका एक यूनिट या एक इकाई बन गया। इस तरह के आपको मुख्तलिफ रंगों की इकाइयां या यूनिट बनाने हैं, फिर हम इन्हें जोड़ेंगे या फिर ये कहें कि असेंबल करेंगे। हरी चोंच को लाल पंख में दाखिल करें और ये पंखों के नोक को अंदर की तरफ तय करके दबा दें। इस तरह से एक ताला लग जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब एक पीला यूनिट लें और इसे हरे पंखों में दाखिल करें और हरे किनारों को भी अंदर तय कर दें। इससे पीला यूनिट हरे के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से बाकी मानदा पांच यूनिटों को धीरे धीरे जोड़ लें और आठों यूनिट इस तरह असेंबल करें। अब आपकी मुकम्मल शक्ल इस तरह नज़र आएगी। ये आठ कोनों वाली चरखी की तरह होगी और इनके दरमियान में आठ ज़िलई शक्ल की तरह सुराख होगा। ये घूमने वाला मॉडल है। आप चाहें तो इस दो यूनिट को लेकर करीब कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ शक्लें बना सकते हैं। इन्हें अंदर दबाएंगे तो ये एक चक्री जैसी नज़र आएगा। अब एक मुरब्बा नुमा खिड़की की तरह नज़र आएगी। एक मुस्ततील इस तरह से आप इसे दोबारा खोल कर भी खेल सकते हैं।